दोस्तों, सलार को राहुल गांधी ने भी सपोर्ट कर दिया। जब राहुल गांधी जा रहे थे तो एक परबास लवर ने राहुल गांधी को सलार का पोस्टर दे दिया और उसके बाद ये पिक्चर इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। अब तो कांग्रेस पार्टी भी सलार के लिए काफी एक्साइटेड नजर आ रही है और सलार को राहुल गांधी का सपोर्ट मिलना भी शुरू हो गया है। इस पिक्चर को राजनेता भी शेयर कर रहे हैं और राहुल गांधी के इस फोटो ने सलार की हाइप को काफी गुना बढ़ा दिया है। और वहीं परबास अन्ना के फ्रेंड्स को पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, उस पर भी राहुल गांधी ने स्टिकली बहुत बड़ा एक्शन लिया है। राहुल गांधी कहते हैं, बीजेपी को चाहिए कि वो ऐसी व्यवस्था करे थिएटर्स में और थिएटर्स के मालकैन को यह संदेश दे कि वो अपने थिएटर्स के बाहर इकट्ठा होने वाली भीड़ को अच्छे से मैनेज करे, ना कि पुलिस भेजकर लोगों पर लाठी चलाने का हुक्म दे। ऐसी घटिया गवर्नमेंट अगर ऐसी हरकत करेगी तो लोग कैसे उनको वोट देंगे। इस बयान के बाद राहुल गांधी को सलार वाले भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं और परभास अन्ना के फ्रेंड्स ने राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को #सलार लिखकर भर दिया है। दोस्तों, ना चाहते हुए भी सलार का अच्छा प्रमोशन हो रहा है और अब तो पॉलिटिकल सपोर्ट भी सलार को मिल गया है। इसका मतलब सलार को विजय प्राप्त होगी और बाहुबली ये जंग जीत जाएंगे। इस बार सलार से जो तबाही परभास अन्ना ले आ रहे हैं उसको देखने के बाद बॉलीवुड हो या फिर साउथ, हर कहीं कोहराम मच गया है और लोग सोच रहे हैं कि अब क्या बाहुबली का रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि इस बार क्रेज बाहुबली से भी काफी ज्यादा है और इस बार जो परभास अन्ना रिकॉर्ड बनाएंगे उसको तोड़ पाना किसी के बस की बात नहीं होगी और इस बार पूरी दुनिया में सलार ही देखी जाएगी। अब उसके साथ डंकी भी आ रही है, लेकिन डंकी एक फैमिली एंटरटेनर मूवी है, उसको लोग इतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। और दूसरी तरफ सलार है जो कि KGF के मेकर बना रहे हैं और वो एक एक्शन मसाला मूवी है, इस वजह से सलार को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। उसी के साथ विदेशों में भी सलार की एडवांस बुकिंग डंकी से ज्यादा हो रही है और अभी जो नया ट्रेलर आया है उसके बाद तो ओवरसीज में बहुत ही बड़ा जंप आ गया है। दोस्तों, सच बताना, आपको दूसरा ट्रेलर कितना पसंद आया और आप क्या सलार का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जा रहे हो? कमेंट में लाजमी लिखना और जो दूसरा ट्रेलर आया है उसमें कितने ज्यादा खतरनाक एक्शन दिखाए गए हैं, उनमें आपको सबसे ज्यादा एक्शन सीन कौन सा पसंद आया, ये भी कमेंट में लाजमी बताना। अगर आप परभास अन्ना के सच्चे फ्रेंड हो तो हमारे चैनल मीम न्यूज को लाजमी सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारे 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करना।